चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज। अब सीखो फटाफट चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। बात करें तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों में प्रदेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पूर्ण विराम लग गया। तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके बाद साल 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे। यह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वे फरवरी 2013 से 15 दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। बात करें उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी, फर्स्ट गवर्नर एसएस परनाल जी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 0 यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ओलिवियर डेसॉल्ट किस देश के राजनीतिक और अरबपति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांसीसी अरबपति राजनेता ओलिवियर डेसॉल्ट का हाल ही में उत्तर पश्चिमी फ्रांस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे देश की राष्ट्रीय सभा के सदस्य भी थे। वह डेसॉल्ट विमान बनाने वाले परिवार के वंशज थे। डेसॉल्ट एविएशन समूह एक प्रमुख फ्रांसीसी विमान निर्माता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ओलियर डेसॉल्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए आपको फ्रांस के बारे में बताते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है जिन कास्टेक्स। करेंसी यूरो। नेशनल 14 जुलाई, हाईस्ट माउंटेन माउंट प्लांक। लार्जेस्ट लेक है बॉर्गेट। बात करें एफिल टावर, जो कि पेरिस में 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी जी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया। पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तमिलिसई साउंडराजन ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं किरण बेदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड यानी कि ARCIL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लव महापात्रा जी को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व CEO पल्लव महापात्र को एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड यानी ARCIL के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया। ARCIL भारत की सबसे पुरानी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। इसे 2002 में स्थापित किया गया था। पल्लव महापात्र CEO के रूप में विनायक बहुगुणा का स्थान ले रहे हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पल्लव महापात्रा जी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। बात करें दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा किया कि अगले वित्तीय वर्ष में शहर भर में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के वार्षिक बजट को प्रस्तुत करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस योजना की घोषणा की है। सेकंड डिजिट आप लोग नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस संस्थान ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के साथ मिलकर परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है और इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल थे। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में बताते हैं। बात करें नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO है अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है। विभाग का लक्ष्य 5G विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का एक इन हाउस पूल बनाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपार्चर रडार यानी कि SAR का विकास पूरा कर लिया है। नासा इसरो SAR यानी कि निशार पृथ्वी अवलोकन के लिए ध्वनि आवृत्ति L और S बैंड SAR के लिए एक संयुक्त सहयोग है। बात करें निशार के बारे में तो निशार हमारे ग्रह की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तनों को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्ति यानी L बैंड और S बैंड का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन होगा। मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आपको इसरो के बारे में बताते हैं। बात करें इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, चेयरमैन KC1 जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई, फर्स्ट मिशन लूनार, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कौन सी अभिनेत्री शामिल हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। वे दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्ज़र विजेताओं, राज्य के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में शामिल हैं। बात करें YGL यानी यंग ग्लोबल लीडर्स की अपनी द्वारा किस कक्षा की घोषणा करते हुए WEF ने कहा है कि ये 40 साल से कम आयु के कुल के सबसे अग्रणी 112 नेता हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की वकालत करने से लेकर चिकित्सा अनुसंधान में अभियान चलने तक की गतिविधियों में शामिल हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है दीपिका पादुकोण जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने वीर इन पे यानी कॉन्टेक्टलेस
कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे यानी वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध हैं। ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करते हैं या किसी भी व्यापारी की दुकान पर खरीद की अनुमति देता है जो संपर्क रहित यानी कॉन्टेक्ट लेस लेन देन को स्वीकार करता है। चलिए आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताते हैं। एक्सिस बैंक के संचालन का आरंभ 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है दिल से ओपन। बात करें एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट बताते हैं। थर्ड डिजिट है 1 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 11, किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर यानी ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुरका सहित पूर्ण चेहरे के आवरण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 51.21% मतदाताओं ने मतदान किया है। फ्रांस वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बना था। चलिए आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बताते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट विली मोरियार जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो स्विस फ्रैंक, नेशनल लेक अगस्त, बिगेस्ट लेक है लेक जिनेवा, हाईएस्ट माउंटेन मोंटेरोसा। बात करें स्विट्जरलैंड के नेशनल गेम की तो रेस्टलिंग, एनिमल इज जगोर, बर्ड चुड़ाको, फ्लावर लियोन्टो, पोडियम एल्पाइन, पार्लियामेंट नेम है फेडरल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में स्विट्जरलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल में भारत का नया चीफ सांख्यिकी विद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जी पी सामंत जी को। केंद्र सरकार ने डॉक्टर जी पी सामंत को 2 साल के कार्यकाल के भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। वह भारत के चौथे CSI हैं। वह छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वर्तमान में डॉक्टर सामंत भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। डॉक्टर सामंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बात करें हाल ही में किस बैंक ने IDBI बैंक से PCA प्रतिबंध हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को अपने संवर्धित विनियामक परीक्षण या प्रॉम्प्ट करेक्टिविटी करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA ढांचे से हटा दिया है। यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी शुद्ध NPE और उत्तोलन अनुपात पर PCA मापदंड के उल्लंघन में नहीं आता है। चलिए आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई जो कि आपको बात करें प्रेसिडेंट गवर्नर की तो श्री शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सर ऑस्मॉनी स्मिथ जो कि नॉन इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के DDC। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने हाल में अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवरा सहित 269 सदस्य शामिल हैं। चलिए
चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिव्यू कराते हैं। बात करें ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देवाल का हाल ही में निधन हो गया। बात करें भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों शिकायतों या सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर 139 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक शयन अभ्यास है। बात करें उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें न्यूजीलैंड देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। बात करें अमिताभ बच्चन को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश राज्य को भूमि रिकॉर्ड स्टीलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। इंडिया देश के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपए का अनुदान दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो हाल ही में असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी यूएसए यानी कि अमेरिका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर टू है सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बने हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज अब सीखो फटाफट चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को अभी ज्वाइन करें। लास्ट डिजिट नोट कर लें आप, लास्ट डिजिट है 3। थैंक यू।